जारी रखे। गांव में बंदरों का आतंक, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। गांव में बंदरों का आतंक, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। गांव की महिला को बंदरों ने किया घायल। गांव के ग्रामीण बंदरों के आतंक से घर में हुए कैद। बाली तहसील के भाटुंद गांव में एक हफ्ते से बंदरों का आतंक बचा हुआ है। ऐसे में कई लोगों को बंदरों ने चोटिल कर दिया। ऐसे में गांव के सरपंच मालाराम देवासी के द्वारा बाली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में प्रशासन क्यों मौन है? इसी बीच गांव की महिला को भी बंदरों के द्वारा घायल किया, जिसमें महिला की काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। महिला ने अपनी स्थिति को चैनल के जरिए साझा किया। वंदे भारत से मोहसिन खान के साथ रामेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं बाली तहसील के भाटुंद गांव में। यहां बंदरों का आतंक इस कदर छा गया है गांव के अंदर कि गांव के लोग घरों से बाहर निकलना भी अभी दुश्वार हो गया है लोगों का। ऐसे में यहां पर एक ऐसी घटना सामने आई है जहां गांव की महिला जो कि अपने घर से करीबन 5:30 बजे के आसपास घर से खेतों पे चारा लेने गई थी गायों भैंसों के लिए, उसी वक्त किसी जानवर बोले तो बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसपे उन्हें कई जगह चोटिल हुई है शरीर के ऊपर। आए हम बात करते हैं उन्हीं से, आइए चल। जुड़े हैं वो बीमारी से जो ग्रस्त है अभी, जिनके ऊपर बंदर ने हमला किया था, वो औरत हमारे साथ में भी जुड़े हैं। नमस्ते, आपका बंदे चैनल में स्वागत है। आप बताइए कि बंदर ने जिस वक्त में आपके ऊपर हमला किया था उस वक्त में आप कहाँ पर थे? मैं बंदर तो हमारे सामने आ गया, मम्मी लकड़ी लेने की कोशिश की थी, तो लकड़ी लेने लगी तो बंदर का आतंक भी बहुत ज़्यादा। आपको कितनी चोट लगी? हमारी उस पर पैर है, और पैर पर पैर ना बहुत पैसा आ गया, और फिर मैं पास हो गया। अभी आप जब आप यहाँ ये गांव में हॉस्पिटल वगैरह वहाँ आप उपचार कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जैसे कि जो कि आपने आपके सामने ये दुर्घटना हुई उस वक्त में गांव वालों ने मिलकर बंदर को अभी तक भगा दिया या अभी भी गांव में नहीं भगाया? नहीं भगाया। आप देख सकते हैं इस महिला के साथ में गांव के अंदर जो घूम रहा है बंदर, उसने इस तरीके से इनको चोटिल कर दिया, जिसमें अभी वो अपना जो निजी काम है वो भी नहीं कर पा रही है। साथ ही प्रशासन के द्वारा भी इनको अभी तक कोई ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में बच्चे इधर आइए, इनके बच्चे हैं, ये भी छोटे छोटे हैं। अगर इनके ऊपर ऐसी अगर घटना हो जाती है और उस वक्त में अगर जो इनकी आर्थिक स्थिति भी है तो वो आप देख ही रहे, आप जिस तरीके से इनका मकान बना हुआ है उसमें आप खुद ही देख सकते हैं इनकी क्या स्थिति, और साथ ही ये किराए पर रहते हैं। अगर इनकी कामकाज में अगर इस तरीके से घटना हो जाती है फिर क्या इनको मोहलत दी जाती है? साथ ही आप देख सकते हैं अभी विधानसभा के क्षेत्र में कई नेता उभरते देखे जा रहे हैं, आपको सामने देख ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर न तो किसी ने नेता ने यहाँ पर आए हैं ना ही इनकी खैर ली है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के गांव के सरपंच महोदय मालाराम जी देवासी। श्रीमान, आपका वंदे भारत, आपका स्वागत है। घटना हुई है इस महिला के साथ में, इस घटना के ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। जब ये एक बंदर बहुत आतंकित हो जाता है और वो दिन प्रतिदिन लोगों के ऊपर हमला करता है और उसको उद्धत करता है, उसके बाद में प्रशासन यानी वन विभाग वालों को कितने भी ACFO रेंजर साहब को सबको अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जयंजय साहब जितने भी सरकारी कर्मचारी है उनको आपने एसटी साहब को भी पर्सनल लिखित में रिपोर्ट दे दी है, उन्होंने भी फॉरवर्डिंग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में कोई साधन भी नहीं है पकड़ने के लिए, तो हम क्या करें?
हम अपने अपने स्तर पर तो हम कर नहीं सकते, बंदरों को पकड़ नहीं सकते, ये तो वन विभाग वाले ही कर सकते हैं। इसके ऊपर इस पर अगर प्रशासन के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है जिस पर पुलिस बल को वगैरह यहाँ पे तैनात करवाया गया, ऐसा कुछ कुछ नहीं है। वो तो बंदर दिन प्रतिदिन आक्रोशित होता जा रहा है और लोगों के ऊपर हमले करता जा रहा है। कितने बंदर हैं यहाँ पर? करीबन 100-150 बंदर है, लेकिन एक दो बंदर है वो लोगों को बहुत ही घायल कर देते। आप देख सकते हैं अभी हमसे जुड़े थे गांव के सरपंच मालाराम जी देवासी, इन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक प्रशासन मौन ही है और ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि प्रशासन हरकत में आ जाए और जो गांव वालों के ऊपर जो हमले कर रहे हैं बंदर, उनके द्वारा कोई अभी तक उनको रिहाई नहीं दी गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही इस गांव के अंदर ना तो कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ पर फर्स्ट एड की पोस्ट नहीं है। फर्स्ट एड की अभी तक कोई चिकित्सा अधिकारी ऐसा कुछ नहीं है जो इन गांव वालों के ऊपर थोड़ा रहम दिखा सके, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। साथ ही ये बड़ा गांव भी है। सरपंच साहब ने कहा पूछेंगे यहाँ की कुल जनसंख्या आसपास कितनी है? यहाँ पर 6,500-7,000 जनसंख्या है। ऐसे में अगर ये 6,000-6,500 के आसपास अगर ये जनसंख्या है तो उसके ऊपर एक गांव में चिकित्सक होना अनिवार्य।